हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पर आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो अगर आपको मेरे से बात करना तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाकर फॉलो कर लीजिए। और आज मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट हैं बहुत एक्साइटेड हैं, जो कि आप लोग जानते ही हैं। हेलो दादा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बालो छो? हाँ। चलिए, आज कौन सा डे है आज आपको ड्राइविंग करने का? सेकंड डे है सर। सेकंड डे है। गुड। कल कैसा लगा आपको? कल तो बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस आया? तो 7 दिनों में गाड़ी सीख जाएंगे आप। हाँ सर। चलिए, बढ़िया। सीट एडजस्ट कर ली आपने? जी। अभी सीट बेल्ट डाल लीजिए। ऊपर वाली को, हाँ उसको खींचना है ऊपर वाली को। हाँ, गुड, आराम से। दोस्तों, दादा की एज है 76 और आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं दादा, और बहुत अच्छा इनका कॉन्फिडेंस है। सीट बेल्ट लग गई। अभी राइट वाले मिरर को एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए दिख रहा है, और ये लेफ्ट वाले को, इसको भी दिख रहा है। चलिए, रेडी हो जाइए फिर। तो दोस्तों, आज सेकंड डे है दादा का। और कहाँ से आए दादा आप? मैं आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से आया हूँ। ओके। सर्विस किया हूँ अरुणाचल प्रदेश में एज ए डिविजनल अकाउंटेंट। ओके। और रिटायर होके अभी 17 साल। रिटायर होके 17 साल हो गए रिटायरमेंट को। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि जो लोग कहते हैं कि 50 साल, 55 साल, 40 साल की उम्र में, 60 साल की, कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो ये देखिए दादा हैं 76 साल के, 76, और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश से यहाँ पे स्पेशली ड्राइविंग सीखने के लिए आए हैं, जो इतनी दूर से। और यहाँ अगल बगल 4-5 किलोमीटर होता तो लोग कहते भैया बहुत दूर है, तो कहते हैं एक जुनून होना चाहिए। और मैं इस चीज़ का चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं दादा को 7 दिनों में वो सारी चीज़ें सिखा दूँगा जो कि मतलब एक ड्राइवर को ज़रूरी होता है चलाने के लिए, वो सारी बारीकियाँ आनी चाहिए, छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं। तो चलिए दादा, स्टार्ट करिए गाड़ी। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंजन ऑन कर लीजिए। हो गया जी। अभी हैंडब्रेक देखिए, साइन आ रहा है हैंडब्रेक का डिस्प्ले में। उसको यहाँ से हैंडब्रेक को डाउन करिए, हैंडब्रेक लगा हुआ है जी। ऊपर उठा के बटन दबाते हुए नीचे ले जाओ। हाँ, नीचे ले जाओ, ऊपर उठाते हुए। हाँ, गुड। चलो जी। अभी गियर लगा लो, पहला गियर। हाँ, गुड। अभी राइट का सिग्नल दो नीचे को, और पीछे राइट वाले मिरर को चेक कर लो, ऐसा तो नहीं कोई आपके बगल से निकल रहा हो। ठीक है, अभी जाने दो धीरे से, हाफ क्लच छोड़ना, फुल नहीं। बस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अक्सर दोस्तों क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब भी कार को हम मूव करते तो हमारी कार का इंजन बंद हो जाता है, क्लच पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं हो पाता है। जो 18 साल से 25 साल 30 साल के लोग, जो भी न्यू बिगनर होते हैं, बट दादा ने देखो फर्स्ट गियर में ऐसी गाड़ी उठाई, ना गाड़ी में झटका आया, ना जर्किंग हुई। सिग्नल बंद कर दीजिए दादा, अभी स्ट्रेट चलना है हमें। ठीक है, टाइम हो रहा है आपका 10 बज गए पूरे। चलो, अभी स्ट्रेट चलना है हमें। एक्सेलेरेटर देगा अभी यहाँ से ना, लेफ्ट ले लो। चलो, सिग्नल दो लेफ्ट का। हाँ, अभी लेफ्ट टर्न करना, एक्सेलेरेटर की जरूरत नहीं है। टर्निंग पॉइंट पे आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए, लेफ्ट वाला क्लच पे होना चाहिए, नज़र आपकी लेफ्ट और राइट में होनी चाहिए। अभी सीधी करो, और सीधी करो, बस। चलो, हल्का लेफ्ट आओ, अभी स्पीड मेंटेन करो, पहले हल्का सा एक्सेलेरेटर लेना है। हॉर्न बजाइए इसको, रिक्शे वाले को। हाँ, लेफ्ट आ जाओ, लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट। हाँ, अभी स्पीड लो थोड़ा सा, पहले स्टीयरिंग सीधा करो और जाओ। अभी स्पीड लो हल्का, अभी हाँ, अब राइट वाला पैर ब्रेक पे ला के क्लच दबा के सेकंड गियर। अभी देखो राइट में गाड़ी है सामने, आराम से। चलो, चाचा एकदम आगे आके खड़े हो गए थे। अभी क्लच दबा के सेकंड गियर करो, पूरा क्लच दबाओ, लेफ्ट ला के देन डाउन करो गियर को। हाँ, पीछे, वेरी गुड। चलो, बहुत बढ़िया। अभी आगे से हमें राइट चलना है, राइट का सिग्नल दो नीचे को, राइट का सिग्नल। हाँ, आगे जो कार जा रही है एम्बेसडर, वहाँ से हमें राइट जाना है, आराम से। हाँ, बस यहीं से राइट टर्न करना है। ओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो दादा ने पूरा अपना लेफ्ट दबा के कार को टर्न किया, सीधी करो, पूरा लेफ्ट ला के फिर उसके बाद इन्होंने राइट टर्न किया। अक्सर लोग क्या करते हैं, पूरा राइट ही दबा के राइट टर्न कर देते हैं, जिससे क्या होता है, सामने से जो गाड़ी आ रही होती है उसको टकराने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़ी स्पीड लिमिटेड, ताकि आप कंट्रोल कर सकें, तेज़ चलाना कोई कला
नहीं है, जितना स्लो चलाएंगे उतनी छोटी छोटी बारीकियां आप सीख जाएंगे। अभी जैसे सामने देखो क्रेटा आ रही है, ठीक है, वेन्यू है, हल्का राइट रखो। अब जो लेफ्ट में बंदा जा रहा है इसको बचाने की जिम्मेदारी पूरी आपकी है, क्योंकि लेफ्ट वाले को बचाना आपको है। सामने से जो आ रहा है 50% नोटिस आपको करता है वो। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ब्रेक ले लीजिए, ब्लाइंड टर्न है, सामने से कुछ दिख नहीं रहा कौन सी गाड़ी आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे ब्लाइंड, अपना लेफ्ट रखिए दादा, लेफ्ट राइट नहीं, क्योंकि राइट साइड अपोजिट वाले की है ना। हाँ, तो राइट अगर आप रखेंगे ब्लाइंड टर्न पे तो टकराने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और लेफ्ट रखेंगे तो सेफ रहेंगे आप। चलो स्टीयरिंग को सीधा पकड़ो, जब गाड़ी एकदम स्ट्रेट चल रही हो तो स्टीयरिंग पे हाथ आपका 3 और 9 पे, जो घड़ी का टाइम होता है, घड़ी में जहाँ 3 और 9 लिखे होते उस डायरेक्शन में आपके हाथ होने चाहिए, ताकि आपकी स्टीयरिंग लहराए ना, क्योंकि कार के अंदर बैठ के कार के स्टीयरिंग को समझना बहुत टेढ़ी खीर है, उसी को समझना, क्योंकि हमको टायर नहीं दिखता है, स्पीड कम। अब मैम जा रही तो इनको एक बार अलर्ट कर देना हॉर्न देके कि कभी भी ये राइट ना आ जाए, अचानक एकदम से राइट ना आ जाए, ठीक है। अभी लेफ्ट स्ट्रेट जाना है सीधा। हाँ, हल्का राइट रखो, राइट, गुड। स्टीयरिंग को बगैर बात नहीं हिलाना है, ठीक है, बगैर बात उसको नहीं हिलाना है, हल्का लेफ्ट आओ बस। चलो रेस करो हल्का। हाँ, राइट रखो, राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्पीड कम, हाँ, अभी जैसे कि आप सेकंड गियर में चल रहे हैं ना जी। फर्स्ट और सेकंड गियर जो मेन होता है कार को सीखने के लिए, फर्स्ट और सेकंड गियर, थर्ड फोर्थ गियर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो उसको चाहिए स्पीड, और हमको सीखना है फर्स्ट और सेकंड गियर में और बैक गियर में, ठीक है। तो अभी हमें स्ट्रेट जाना है सीधा। अब यहाँ पे टी पॉइंट है तो यहाँ पे हल्का राइट रखो, राइट, हाँ बस, राइट रखो थोड़ा सा, हाँ सीधा सीधा सीधा, राइट रखो, राइट, हाँ बस, लेफ्ट आओ और लेफ्ट, बस राइट रखो हल्का सा, जाने दो, हाँ धीरे से स्लो करो, राइट रखो, राइट, 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 राइट दादा, राइट, राइट। हाँ, वो बैक कर रहा था ना, फिर टकरा जाती गाड़ी, और ये थोड़ा बिफोर प्लान करना है हमें, थोड़ा सा पहले से, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। कल आपकी जो क्लास रहेगी जी, वो रहेगी फ्रंट में इट बनाना और रिवर्स में इट बनाना, दो पेड़ों के बीच में, ठीक है। हाँ, और मॉरल पार्किंग, ये डे वाइज डे मैं कराऊंगा आपको, बैक, वही वही मॉरल पार्किंग, बैक करना और रिवर्स में इट बनाना, फ्रंट में इट बनाना, स्ट्रेट जाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, दादा मुस्कुराइए, आप लखनऊ में, राइट रखो हल्का, राइट, राइट था बस, हल्का राइट ही रखो, जितना आप संभाल के चलेंगे ना उतना अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे, हल्का राइट रखो, हाँ और राइट थोड़ा, स्पीड बढ़ाओ, जाओ हल्का, क्योंकि यहाँ पे स्लोपिंग है, चढ़ाई भी है, ब्लाइंड टर्न भी है और नैरो भी है, दो तीन चीजें हैं यहाँ पे, ऐसे में थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी। देखो एकदम अंधा मोड़ है, हल्का राइट रखो, राइट, हाँ आपने बहुत ज्यादा सटा दिया था, अभी पिलर में टकरा जाती, लेफ्ट आओ, जाओ रेस करो, हल्का रेस लो वरना गाड़ी रुक जाएगी, लेफ्ट आओ अपना, लेफ्ट, लेफ्ट और लेफ्ट, बस राइट रखो, जाने दो, चलो धीरे धीरे जाने दो, और राइट रखो, राइट, 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 रेस करो, रेस चढ़ाई है ना, रेस करो और रेस, बस सीधी करो, घबराना नहीं है, चलो हल्का एक्सेलेटर ले लो। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट भी था, अगर ज़्यादा एक्सेलेटर देते तो सामने वाली गाड़ी में टकरा जाती, बस हल्का राइट रखो, बस जाओ, राइट रखो, राइट, 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 हल्का राइट, जाओ और राइट, और राइट, बस आराम से हल्का राइट, गड्ढा इधर लेफ्ट में दादा, लेफ्ट में गड्ढा है, चलो बढ़ाओ, लेफ्ट आओ, आपने ज़्यादा वो कर दिया, थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो गई थी आपकी, हल्का लेफ्ट आओ, हल्का राइट रखो, जाने दो सीधा एकदम स्ट्रेट, राइट रखो, हाँ गड्ढे को बीच में लो दोनों टायरों के, ब्रेक आपको बीच में लेना था, आपने उसको साइड में दबा दिया, आपको बीच में उसको लेना था, गड्ढे को आपने उसको साइड, गाड़ी को लेफ्ट दबा दिया इसलिए गड्ढे में चली गई, चलो कोई नहीं,
अभी स्टीयरिंग सीधी करो, हाँ हॉर्न क्यों नहीं बजाया आपने इन लोगों को, राइट रखो, राइट राइट, एक्सेलेटर बहुत ज़्यादा नहीं लेना दादा, आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है बेस के हिसाब से, एज के हिसाब से स्पीड ज़्यादा हो जा रही है, हल्का राइट रखो, राइट बस, दो गाड़ियों के बीच में ऐसे कार को निकालना है ताकि टकराए ना, चलो हल्का राइट रखो, राइट और राइट, हाँ बढ़ाओ, जाने दो धीरे धीरे, स्पीड कम, अभी यहाँ से राइट चलना, सिग्नल दो आराम से नीचे का, राइट का सिग्नल दो नीचे, हाँ अभी यहाँ से राइट धीरे धीरे, ब्रेक पे पैर, हाँ अभी आराम से, हाँ चलो टर्न करो धीरे धीरे, गुड, बस अपना लेफ्ट आ जाओ, लेफ्ट ज़्यादा राइट चले गए आप, और एकदम से लेफ्ट आ गए, देखो ये गड़बड़ किया आपने, टकरा जाएगी, बस अचानक नहीं आना है ना, आपके अगल बगल जो लोग चल रहे हैं वो कैसे, और ये हाथ बार बार आप गलत कर रहे हैं, इसको कल मैंने बताया था इसको नीचे नहीं जाना चाहिए, ब्रेक लो हल्का, स्लो करो, हाँ बस जाने दो धीरे धीरे, अभी लेफ्ट आ जाओ थोड़ा सा, हाँ हल्का राइट रखो, चलो जाने दो धीरे धीरे, हाँ और राइट, अभी सिंगल रोड है यहाँ पे, थोड़ा आपको अलर्ट रहना है, एक्सेलेटर की ज्यादा बहुत बार देखा है, हाँ, गेट को देखा, बट इसको आप एक्सेलेटर पे कम ध्यान दीजिए, आप एक्सेलेटर ज्यादा दबा रहे हैं जिसकी वजह से गाड़ी आपकी सर इतना मैंने हल्का है ना, अंगुली लगता है वो चला जाता है, हाँ तो उस हिसाब से आप उसको यूज करिए ना कि वो ज्यादा ना दबे, लेफ्ट आओ, हाँ हल्का राइट रखो, ब्रेक पे पैर लिया, सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, अब ऐसी कंडीशन में आपका पैर ब्रेक पे होना चाहिए ना कि एक्सेलेटर पे, हल्का सा एक टायर नीचे उतारो, बस दो गाड़ी अगर सामने से आ रही है ना तो फिर दोनों गाड़ी एक साथ इस रोड पे नहीं निकल पाएंगी, एक बंदे को उसको भी एक टायर नीचे उतारना, एक आपको, और वो तब उतारेगा जब आप उसको पासिंग भी पर देंगे, ब्रेक पे पैर रखो, फिर स्पीड बढ़ा दी आपने, ज़्यादा कर दिया, अब ऐसी सिचुएशन, आप एक्सेलेटर मत छूइए, आप एक्सेलेटर पे पैर ही मत ले जाओ, नहीं ब्रेक पे रखो, सिर्फ ब्रेक पे, गाड़ी लहरा रही है आपकी, गाड़ी थोड़ा लहरा रही है, हाँ इसको देख के हम, हाँ चक्का नहीं उतरने के लिए कोशिश कर रहा, हाँ वही 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 गाड़ी है आपके पीछे, बस मिरर बार बार चेक करिए आप, हाँ, मिरर जब बार बार आप चेक करेंगे तो आपको काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हल्का लेफ्ट आओ, हाँ बस लेफ्ट आओ और लेफ्ट, जाने दो धीरे से, हाँ क्लच को फ्री करो, हाँ जाओ लेफ्ट आओ, दोस्तों आज दादा का सेकंड डे है, और सेकंड डे के हिसाब से जो मैं रूट ले रहा हूँ, फिर स्पीड आपने बढ़ा दी, आप एक्चुअल में ज्यादा दब जा रहा है आपका पैर जो है वो ज्यादा दब जा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, हाँ आ जाओ हल्का लेफ्ट, तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम, हल्का राइट रखो, राइट राइट और राइट।